दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरने में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल है। इस धरना प्रदर्शन के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद का घेराव करने की भी बात कही है। इस बीच हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने मौके का जायजा लिया और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है। संसद का शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है तब से लगातार विपक्ष पार्टी जो है केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। अगर हम आज की भी बात करें तो आज भी आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहां पर कांग्रेस का एक विशाल धरना आयोजित किया गया है जंतर मंतर पर। और आप देख सकते हैं यहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है भाजपा सरकार की तानाशाही व कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ संसद घेराव। तो आप देख सकते हैं कितनी हम ये कह सकते हैं आक्रमकता के साथ जो कांग्रेस है पूरी आक्रामक हो रखी है और वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। और महंगाई को लेकर आज खासकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का एक विशाल धरना आयोजित हुआ है यहाँ पर। और बहुत मुमकिन है जैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राहुल गांधी भी इस धरने में आ सकते हैं, शिरकत ले सकते हैं वो। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहते हैं इस तरीके से जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ये पूरा सर पे सिलेंडर रखा हुआ है, क्या कुछ कहते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम हीरेलाल सोलंकी है। सर ये इस तरीके का गेटअप ले रखा है, इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ जब मोदी जी कहते थे इस देश के अंदर हर गरीब के दिन आएंगे अच्छे, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी इस देश के अंदर किसके दिन आए अच्छे? मोदी और केजरीवाल तो रोज डेली खूब खड़े दूध बनाए अच्छे। भूखे कौन मर रहे हैं? भूखे मर रहे गरीबों के बच्चे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा गरीबों के तन बदन पे रह जाएंगे सिर्फ बनियानों के कच्चे। देखिए आपने रोटी लगाई हुई है, सरसों का तेल है यहाँ पर लटका हुआ, टमाटर है, साबुन है, सर पे सिलेंडर है गैस का, हर चीज महंगा हो गया, हर चीज हो गया महंगा। हाँ जी आप कुछ भी चीज लेने चले जाओ, दाल जो 40 रुपए किलो मिलती थी 60 रुपए किलो मिलती थी 150 रुपए किलो मिल रही है। जो सरसों का तेल 50 रुपए लीटर मिलता था 60 रुपए लीटर मिलता था आज 215 रुपए लीटर मिल रहा है। जो मक्खन की टिक्की सिर्फ 40 रुपए की मिलती थी आज 55 रुपए की मक्खन की टिक्की मिल रही है। तो क्या करेगा गरीब, क्या खाएगा नंगा, क्या खाएगा और क्या निचोड़ेगा? महंगाई की माला कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने आम जनता के गले में डाल दी है। हाँ सरकार ने इतनी कर दी महंगाई, हिंदुस्तान के दुखी हो गए हर लोग और लुगाई। तो कहना यही चाह रहा हूँ कि सारी महंगाई इन्होंने कर दी है। महिलाओं से बातचीत करेंगे, महिलाओं का क्या कुछ कहना? मैडम क्या नाम जी? ये जो मेरा नाम आशा रानी है, मैं कर्दमपुरी वार्ड 49 से। क्या कहना चाहते हैं मैडम? आज जो कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत बड़ा एक धरना आयोजित किया है केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जी महंगाई भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, कोई सी भी चीज ले लीजिए, दूध ले लीजिए, घर की सब्जियां दाल सब्जी ले लीजिए, गैस सिलेंडर ले लीजिए, बहुत सब कुछ महंगे हो चुके हैं। गरीब इंसान क्या करे, गरीब इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स, सीनियर लीडर्स, कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, आप देख रहे हैं किस तरह भारी भरकम संख्या में बाहर निकली पड़ी है। महंगाई का मुद्दा है हमारा, बेरोजगारी का मुद्दा है हमारा, और बहुत ज्यादा हम सब परेशान है। और शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज काफी ज्यादा संख्या में हम कह सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। यहाँ से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सीधा संसद में बैठी सरकार को इनका कहना है कि संदेश देना चाहता है कि लगातार बढ़ती महंगाई से जो आम जनता है वो त्रस्त है और कांग्रेस आज इसी को लेकर संसद का घेराव करने जा रही है। जेके24 न्यूज़।